बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मकसद एक ही है, कैमरा पैक करना। And so we can we have the cake now. It's time we got the cake and celebrate this wonderful. Hey, bhai. Congratulations. एक बार एक एक क्वेश्चन के साथ आंसर देता हूँ। बेसिकली निमेसिस का मतलब होता है एक दुश्मनी, अंदर से एक गर्ज होना। तो बेसिकली ये एक थ्रिलर है जिसके अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एंड जो हमारे डायरेक्टर हैं परिवेश दादा, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी लिखी गई है। मैं आपको ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता फिल्म के बारे में, मगर मैंने आप लोगों को वादा किया था कि सीरियल से निकल के जल्दी फिल्मों में नजर आऊंगा, तो वो जल्दी पूरा होने वाला है। आप लोग जल्दी ही हमें सिनेमा घरों में देखने वाले हैं। एंड बस आज आप लोग यहाँ आए, आप लोगों का सपोर्ट हमें मिला, एंड वी वॉन्ट ये सपोर्ट आप लोग जब फिल्म रेडी हो जाए, जब हमारा पूरी फिल्म रेडी है तब प्लीज़ आप लोग आइएगा। एंड हम आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही इस फिल्म को और ऊपर लेके जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो हाय एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं फिल्म नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब होता है प्रतिशोध की देवी। तो फिल्म के बारे में तो ज्यादा कुछ बता नहीं सकते, लेकिन फिल्म की कहानी एकदम लीक से हटकर है। और मैंने अपने फिल्मी करियर, जो मेरा 20 साल का करियर है फिल्म का, उसमें इस तरह की कहानी अभी तक मैंने की नहीं है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ज्यादा डिस्क्लोज करना तो अभी अलाउ नहीं है डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से फिल्म के बारे में बताना। लेकिन मेरा जो कैरेक्टर है वो भी अब तक के जितने मैंने कैरेक्टर्स किए हैं, जितने किरदार मैंने अभी तक निभाए हैं, उन सब से अलग और हट करके है जो आप देखेंगे। तो बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत अच्छी कास्ट है, पूरी कास्ट जैसे कि नवाब शाह है, गौरव चोपड़ा है, एंड सना मकबूल है, और भी बहुत सारी कास्ट है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टीम है। सो आलोक सर ने मुझे इतना अच्छा कैरेक्टर निभाने की जिम्मेदारी दी। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं आलोक जी, परवेश जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे विश्वास दिखाया मुझ में और इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर निभाने की मुझे जिम्मेदारी दी। तो कोशिश करूँगा कि इसे बखूबी ईमानदारी से उनके विश्वास पर खरा उतरूँ। तो इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सब लोग यहाँ अपना कीमती समय निकाल करके आए और हमारी फिल्म के बारे में आपने जानने की कोशिश करी और पूछा। Thank you so much. Thank you. You want to perform and you want to show your talent. So I think ये picture वो चीज हमें देगी, where you will see everybody who's new as a talent here in this film. I feel हम हमारा 100 नहीं, हम हमारा 1000% देंगे इस पिक्चर को हिट करने के लिए, हिट बनाने के लिए बहुत मेहनत की। हिंदी पिक्चर है, इंग्लिश टाइटल है, सो नेमेसिस। बट या एज आई सेड कि नेमेसिस डिफाइन बहुत सारी चीजों को करेगा, थ्रिलर, सस्पेंस, लव, इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग। सो बहुत सारी चीजें हैं जो नेमेसिस डिफाइन करेगा। सना जी, बहुत सारे ऑफर आए होंगे आई एम श्योर बिग बॉस करने के बाद, लेकिन ये ही फिल्म चुनने का क्या रीजन था उसके बारे में? स्टोरी बहुत अच्छी है, अभी हम फिलहाल स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, स्टोरी लिखी गई बहुत अच्छे वे में है। सो या दैट्स वेरी कहानी बहुत अच्छी है, अपने आप में कहानी जो है फिल्म के वही हीरो है हमारी फिल्म की, बहुत प्यारी कहानी। और इसमें यू नो इट्स वेरी एंसेंबल कास्ट, ऐसा नहीं है कि एक
पर्टिकुलर हीरो है, हीरोइन है, यहाँ पे हर किरदार अपने अपने वे में स्टैंड आउट करते हैं, आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस। आपने क्या प्रिपरेशन की है अपनी तरफ से? आपको बहुत जल्दी पता चलेगा मेरी प्रिपरेशन के बारे में। और कब स्टार्ट होने वाले हैं, कितनी एक्साइटेड हैं? आई थिंक वी गो ऑन फ्लोर इन नवंबर, आई थिंक नवंबर मिड वी गो ऑन फ्लोर, एंड उसके पहले ऑफ कोर्स आप सब प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, एंड आपको छोटी मोटी अपडेट्स मिलती रहेगी अब से। मैंने मैंने कहानी पढ़ी है तो उसमें जो जो सना मकबूल का जो किरदार है वो ऐसा लगता है देख करके कि इनसे बढ़िया उस कैरेक्टर के लिए कोई फिट है ही नहीं। बहुत प्यारा कैरेक्टर है और बहुत परफेक्ट फिट है उस कैरेक्टर के लिए, और आई होप कि बहुत ही अच्छा करेगी। फ्रॉम वन मकबूल टू अनदर मकबूल, थैंक यू। और क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाइन अप है? I have a web show coming out, I think in November, Vishal Pandey ke saath mein hai, then I have one music video coming out. So a lot of things in pipeline which is coming up. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thanks to all. Thank you. Thank you, sir. All right, so hi everybody. So ye meri pehli movie hai, mera pehla project hai. मैंने इसके लिए काफ़ी वेट भी किया है, तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ एंटिसिपेशन एंड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। सो तैयारियां अभी चल ही रही हैं, वर्कशॉप्स भी होंगी, एंड कैरेक्टर काफ़ी फन है और मूवी में काफ़ी जान भी डालेगा, तो आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। सो ये कैरेक्टर जो प्ले करने वाली हूँ काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम थिंग्स और द कैरेक्टर्स दैट आई प्लेड टिल नाउ। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी फाइस्टी है, आप मुझे बहुत ही अलग रूप में देखेंगे, बहुत ही अलग रंग में देखेंगे, एंड मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गेट इन्वॉल्व इन एक्शन एंड सॉर्ट ऑफ इन एक्शन जोन काइंड ऑफ फिल्म, और ये फिल्म काफ़ी लाइंस पर है, मिलती जुलती है। इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी, बहुत एक्साइटिंग स्टोरी है, आप लोग जब देखेंगे आपको समझ में आएगा कि बहुत ही फाइन राइटिंग किया गया है स्टोरी में, एंड बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग माय कैरेक्टर। शी इज अ लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव गौरव चोपड़ा इन द हाउस। और सर हां जी, तो बस लुकिंग फॉरवर्ड टू डू इट, एंड आई होप आप सबको पसंद आए। ये तो बहुत लंबी, हम कितने दिन के लिए इंटरव्यू करना चाहते हैं? नहीं नहीं, परिवेश जिन्होंने ये फिल्म पूरी कंसीव की है और जो डायरेक्ट करने वाले हैं वो मेरे साथ एक बहुत मेरे दिल के करीब प्रोजेक्ट में मेरे साथ थे, वहाँ वो म्यूजिक दे रहे थे, उस दौरान हमारी एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छी जान पहचान हुई, और जैसे यू नो नॉर्मली क्रिएटिव लोगों के बीच में होता है, एक क्रिएटिव लव एट फर्स्ट साइट होता है लोगों के बीच में, जहाँ पर आपको इंस्टेंटली कोई बहुत अच्छा लग जाता है क्योंकि वो काम अच्छा करता है। तो बस यही शुरुआत है, यही वो वहाँ वो पॉइंट है जिसके बाद उन्होंने मुझे मेरे हर काम के लिए फ़ोन किया, हर चीज़ देख कर तारीफ की, और फिर फाइनली ये फिल्म ऑफर कर दी। उनको मना करना मेरे लिए वैसे भी इम्पॉसिबल था, पर ये बहुत मज़ेदार रोल है, बहुत सरप्राइजिंग रोल है, एंड इस फिल्म के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ इस वक्त कि ये सबको सरप्राइज करने वाली है। शूट जल्दी शुरू होने वाला है, आई थिंक महीने डेढ़ महीने में हम लोग शूट शुरू कर देंगे, तैयारियां बहुत हैं, पर जब एक फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट ही ऐसा होता है कि वो आपको सरप्राइज करे तो उसके बारे में शुरू में ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पॉइंट ही सरप्राइज करने का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक एंटरटेनिंग टाइट थ्रिलर है जिसमें सारे मसाले हैं, बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा हर 15-20 मिनट के बाद कुछ एक ऐसा है, कुछ एक ऐसा ट्विस्ट, कुछ एक ऐसा टर्न जिससे आपका माइक नहीं गिराना चाहता, इसको फिट कर दूं जी, कुछ एक ऐसा ट्विस्ट, कुछ एक ऐसा टर्न जिससे ऑडियंस को बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। फिल्म के बारे में तो बता ही नहीं सकते, हमने सब कुछ लगा रखा है। नहीं
हाँ ठीक है, तो क्या पूछा था? सॉरी, फिल्म के बारे में। स्टार कास्ट फाइनलाइज होने में काफी टाइम लगा, बहुत सारे ऑडिशंस किए हम लोगों ने, ऐसे ऑडिशंस प्लान किए थे, बहुत सारे ऑडिशंस हुए और बहुत अच्छा खासा टाइम गया इसमें फाइनलाइज करते करते। बहुत सारे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था जिसमें से फाइनल होकर के जो सारे शॉर्टलिस्टेड स्टार कास्ट है हमारे सामने, और बहुत सारे लेयर्स हैं सना के रोल में, रश्मि के रोल में, बहुत लेयर्स हैं जिनको वही कर सकता है जिसकी प्रोफेशनली एक्टिंग करी हुई है। मानसी ज्वाइन कर लीजिए। फिल्म को लेके प्लान्स बहुत सारे हैं जो आपको दिखेंगे, और शूटिंग हमारा इसका एमपी में, भोपाल, पचमढ़ी, साउथ और श्रीलंका में, जो कि स्टोरी बहुत अच्छी है और हम लोग बहुत जल्द शूट के भी जाने वाले हैं, और हमारी मूवी मतलब हम इसको ऑडियंस के बीच बहुत जल्द लाने वाले हैं और बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। ये तो एक बहुत बड़ा सस्पेंस है, बट हाँ ये मेरा फर्स्ट डेब्यू है, ये सस्पेंस ही है। जब मूवी लॉन्च हो जाएगी, थिएटर पे आएगी, तो पता लगेगा मैं क्या कर रही हूँ। मेरा भी सेम यही चाहूंगी, अभी तो इस प्रोजेक्ट को लेके ना बहुत टाइम से मेहनत चल रही है, पिछले 6-8 महीने से वर्क चल रहा है, और काफ़ी ऑडिशंस देने के बाद लोगों की कास्टिंग हुई है, मैंने भी काफ़ी ऑडिशंस दिए हैं और कहीं कहीं रिजेक्ट भी हुई, बट फिर डायरेक्टर सर ने, प्रोड्यूसर सर ने बहुत हेल्प करी मेरी कि कैसे आप इस कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल कैरेक्टर है मेरा, जहाँ पे सना के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और शायद हम बहनें प्ले कर रहे हैं और हम हमारा जो बॉन्ड दिखाया गया वो बहुत अच्छा दिखाया गया है, तो होपफुली मैं बहुत अच्छा किरदार अपना प्ले कर पाऊँ आप लोगों के सामने। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। तो ये मेरा भी फर्स्ट डेब्यू है इस मूवी में, तो लाइक आलोक जी जो है उन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी, उन्हें मेरे को काफ़ी ज़्यादा, उन्हें मेरे को मेरे ऑडिशन लिए 3-3, उसके बाद जाके मैंने ये ऑडिशन कनेक्ट किया है, एंड काफ़ी मेहनत की है, जिसकी आप देख रहे हैं नेमेसिस मूवी काफ़ी ही, इसमें कॉमेडी है, इसमें थ्रिलर है, इसमें फाइट्स एंड ऑल सब कुछ है। गाइस लेकिन आप लोगों को ना मजे आने वाले हैं। श्योर यू गाइस आर यू नो गोना एंजॉय अ लॉट। लेकिन इतना कहना चाहूंगा लाइक जब थिएटर में आप कैरेक्टर को देखोगे तो लाइक भूल ही पाओगे, ऐसा कैरेक्टर है लाइक टोटली। अब मैं फ्लो में घुसना नहीं चाहता, फ्लो में घुस गया तो फिर सब कुछ ही रिवील हो जाएगा एक तरीके से, बाद में डायरेक्टर डालेंगे। हां थैंक यू फॉर लाइक यार, इतना कुछ नहीं बोल सकते हम। अबाउट माई रोल, और जिस तरीके से सब लोग फाइनलाइज हुए, सब मेरे सामने फाइनलाइज हुए, शायद जब मुझे पता चला कि गौरव चोपड़ा है मेरे साथ, तो उसके लिए आई एम टू एक्साइटेड एंड टू हैप्पी। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि मूवी बहुत जल्दी फ्लोर पे आने वाली है, और आप सबका प्यार चाहिए, आपका भी सर, तो बिल्कुल एक्साइटेड है, और आप लोग सपोर्ट करिए हमारा, बस थैंक यू।